नमस्ते, मैं प्रिया। आज हम बात करने वाले हैं उज्जयी प्राणायाम, जिसे हम विक्टोरियस ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। उज्जयी ब्रीथ इंटरनली हमारी बॉडी में हीट क्रिएट करती है, जिससे हमारा जो कोर है वो इंटरनली गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, जिससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें एक मसाज जैसा मिलता है। अब बात करते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। फर्स्ट स्टेप, आपको एब्डोमिनल ब्रीथ करना है 5 से 7 बारी तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप, हम एक लंबी गहरी सांस इनहेल करेंगे, लंबी सांस लेंगे, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हम अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप ऐसा फील कीजिए कि आप जो सांस छोड़ रहे हैं वो अपने थ्रोट से कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो एक आवाज़ आएगी, जैसे कि एक बच्चा सोता है तो आती है, या एक सॉफ्ट स्नोर की आवाज़, ऐसे। आसान है, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा फील करना है कि आप अपनी सांस को थ्रोट के थ्रू बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। सपोजली यहाँ पे एक छोटा सा होल है, और ये तब होगा जब आप अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार फिर सारे मिलके प्रैक्टिस करते हैं। देखा कितना आसान है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। फर्स्ट, रिलैक्सेस द माइंड एंड काम्स अस। सेकंड, प्रमोट अ सेंस ऑफ जॉय एंड पीस। थर्ड, प्रिपेयर द माइंड फॉर मेडिटेशन। फोर्थ, रीबैलेंस द इंटरनल सिस्टम। फिफ्थ, इम्प्रूव स्लीप पैटर्न एंड हेल्प टू क्योर इंसोमेनिया। सिक्स्थ, हेल्प लोअर द ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि किन लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। पहला, आपको ये तब नहीं करना चाहिए जब आपको माइग्रेन हो। दूसरा, ये आपको उस समय नहीं करना चाहिए जब आपको हार्ट अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो। तीसरा, ये प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक मैं एक नई वीडियो लेके आती हूँ। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।